हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और प्रसन्नचित होकर अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से घर पर कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को क्लास 12 की मैथमेटिक्स के अंतर्गत हमने आबयू चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को बता दिया है। यदि आपने अभी तक उन क्लासों को नहीं देखा है तो उन क्लासों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है, आप वहां से सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख सकते हो और आपकी किताब के जो क्वेश्चन सॉल्व कराए गए हैं उन क्लासों को भी सीरियल से देख सकते हो। और इसमें अभी एक टाइप का प्रश्न रह गया है, प्रारंभिक संक्रियाओं के प्रयोग द्वारा किसी दिए गए वर्ग अवयव का व्युत्क्रम ज्ञात करना। तो आज की क्लास में आप लोगों को हम यही क्वेश्चन बताने वाले हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी स्टूडेंट्स को जो है कठिन भी लगता है, तो एक ट्रिक के माध्यम से इस क्वेश्चन को हम समझाने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन बेस्ट तरीके से समझ में आ जाएगा। बस आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं रहेगा और बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा। चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। हमने आपके सामने एक आबयू लिया है जो कि 2x2 ऑर्डर का है, ठीक है। और इस दिए गए आबयू का हमें क्या निकालना है, प्रतिलोम आबयू ज्ञात करना है। किसके द्वारा, प्रारंभिक संक्रियाओं के प्रयोग द्वारा। हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमें आबयू दिया होगा उसको हम ए या बी किसी के बराबर मान लेंगे। मान लीजिए कि हम यहाँ पर मान लेते हैं कि ये आबयू ए के बराबर है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ पर हम मान के चलेंगे, क्या मान के चलेंगे कि जो ए है वो आई इंटू ए के बराबर है। इस समीकरण को मान के चलना है कि ए इक्वल टू आई इंटू ए, जहाँ आई जो होता है वो आपका आइडेंटी मैट्रिक्स होता है जिसको हम तत्समक आबयू कहते हैं हिंदी में, या इकाई आबयू कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर चूंकि आपको आबयू जो दिया गया है वो 2x2 ऑर्डर का है, इसलिए जो आप इकाई आबयू लोगे वो भी 2x2 का लोगे, ठीक है। इकाई आबयू की परिभाषा आप सभी लोगों ने पढ़ी है, एक ऐसा आबयू जिसके बिकर के एलिमेंट जो हों वो आपके 1 हों, ठीक है। यानी यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0। तो ये 2x2 का इकाई आबयू यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, समझ गए। तो यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा, यहाँ पर माना आप हटा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये ए, ए की वैल्यू कितनी हमने मानी है उस आबयू को लिख दीजिए, 1-1 और 2 और 3। यहाँ पर आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, चूँकि यहाँ पर जो आप भी वो 2x2 ऑर्डर का है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी आप 2x2 का लिखोगे, है ना। तो ये हो जाएगा 1-0-0-1, ये 2x2 ऑर्डर का क्या हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। इनटू में ए है, इसको आप ऐसे लिखा रहने दो, ठीक है। एक समीकरण और याद रखना, ए इनटू में ए इनवर्स की वैल्यू जो होती है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होती है। इसका यूज भी अभी यहाँ पर हम करेंगे। एक एक बात को अच्छे तरीके से समझिएगा, आप तुरंत समझ जाओगे, ठीक है। तो संक्रियाएँ देखिए यहाँ पर आप 3 प्रकार की लगाओगे। पहले तो ये किसी रो को कॉलम में, कॉलम को रो में बदल सकते हो, किसी रो या कॉलम में आप जो है मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, ठीक है। किसी रो या कॉलम की वैल्यू, किसी दो रो या कॉलम को जोड़ या घटाकर भी आप फाइंड कर सकते हो। इन्हीं 2-3 संक्रियाओं का हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे, आपकी किताब में लिखी हुई हैं, आप संक्रियाओं को एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है, पढ़ा भी होगा उम्मीद करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम रो रिडक्शन के माध्यम से जो है क्या करेंगे, इस आबयू का प्रतिलोम आबयू ज्ञात करेंगे। आप चाहो तो कॉलम रिडक्शन भी लगा सकते हो, यानी पंक्ति संक्रिया या स्तंभ संक्रिया। बस याद रखना कि आपको एक ही संक्रिया अप्लाई करनी है, चाहे आप पंक्ति संक्रिया लगाइए या स्तंभ संक्रिया लगाइए। यहाँ पर मैं आप लोगों को पंक्ति संक्रिया के माध्यम से बताऊंगा, आप चाहते हो तो आप स्तंभ संक्रिया भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, आप सभी को पता ये R1 है, ये R2 है, ये C1 है, ये C2 है। हमें करना क्या है, सबसे पहले ये समझ लीजिए, यहाँ पर जो ये आबयू है हमें इसको ये आबयू बनाना है, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसको बनाना है, ठीक है। तो इसके लिए ट्रिक क्या है, ट्रिक यहाँ पर देख लीजिए भाई, ट्रिक आपकी ये है कि जब आपको 2x2 ऑर्डर का आबयू दिया जाएगा, ठीक है। ट्रिक क्या कोई विशेष नहीं है, आप सभी को पता है, जैसे हमें इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए यहाँ पर 1 होना चाहिए, यानी यहाँ पर 1 होना चाहिए, यहाँ पर 0 होना चाहिए, फिर यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर 0, तभी तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। तो ट्रिक ऐसे आप ये आप फिगर बना लीजिए, ठीक है, और यहाँ पर आप बिंदु लिख लीजिए, क्योंकि 2x2 ऑर्डर के आबयू में 4 एलिमेंट होते हैं। यहाँ पर जो एलिमेंट होगा 1 होगा, 0 1 0, यानी सबसे पहले आपको इस स्टेप में क्या करना है, सबसे पहले आपको इस वाले स्थान पर 1 लाना है। आबयू को देखेंगे क्या यहाँ पर 1 है, तो हाँ पहले से ही 1 है, तो यहाँ पर किसी भी संक्रिया को लगाने की जरूरत नहीं है, यानी पहला स्टेप आपका पूर्ण हुआ। फिर सेकेंड स्टेप में आपको यहाँ से चलना और नीचे आना है, इस वाले एलिमेंट पर आना और देखना है कि इसको 0 हम किस संक्रिया के माध्यम से
बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर चले तो यहाँ पर वन तो पहले से था, तो यहाँ पर कोई संक्रिया नहीं लगाते, लेकिन यहाँ से जैसे नीचे आते हैं तो यहाँ पर दो है, ठीक है। और यहाँ पर हमें क्या बनाना है, जीरो बनाना है, क्योंकि यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स को बनाना ना, तो इसको जीरो बनाने के लिए हम दिमाग में सोचेंगे कि कौन सी संक्रिया लगा सकते हैं। अब इतना आपको सोचना पड़ेगा, लेकिन बहुत आसान है। देखिए यहाँ पर दो है, यहाँ पर हमें जीरो लाना है, ये आर टू है, ठीक है। तो अगर हम आर टू की वैल्यू फाइंड करें, आर टू माइनस, देखिए अगर टू से हम माइनस कर दें टू इंटू में आर वन, यानी इसको दो से गुणा करना पड़ेगा, तब ये दो होगा, और दो से दो जाएगा तो यहाँ पर जीरो आएगा। ये आपको सोचना है यहाँ पर, ठीक है। तो इस संक्रिया को हम अप्लाई करेंगे, R2 की वैल्यू फाइंड करेंगे, R2 माइनस का 2 इंटू में R1 से यहाँ पर लिख लीजिए आप। अब यहाँ पर आप R2 की वैल्यू फाइंड कर रहे हो, तो ध्यान दीजिएगा जो संक्रिया आप यहाँ पर लगा रहे हो यहाँ पर भी आपको लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर R2 की वैल्यू फाइंड कर रहे हो आप, तो R1 में कोई चेंजेस नहीं करोगे, उसको आप वैसे लिख लीजिए, इधर भी आप उसको वैसे लिख लीजिए, R1 को ऊपर 10 और नीचे R2 की वैल्यू आप फाइंड कर रहे हो इंटू में A लिख लीजिए, ओके। अब देखिए यहाँ पर R2 की वैल्यू फाइंड कर लो, R2 माइनस टू R1, तो इसकी वैल्यू फाइंड कर रहे हो 2 माइनस का 2 इंटू 1, यानी ये आपका जीरो हो जाएगा। यहाँ पर देखिए R2 के स्थान पर 3 है, 3 माइनस का 2 इंटू R1 के स्थान पर माइनस 1 है, तो इसको सॉल्व करोगे 3 माइनस 1 माइनस 2 का मल्टीपली प्लस का 2 हो जाएगा, यानी ये आपका 5 हो जाएगा। यहाँ पर आप लिख दीजिए 5, आई बात समझ में। अब बिल्कुल यही काम इधर भी आपको करना है, तो यहाँ पर देखिए क्या करोगे, R2 R2 के स्थान पर 0 माइनस 2 इंटू आर वन, आर वन के स्थान पर यहाँ पर कितना है भाई 1 है, तो ये आपका कितना हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। अब आगे देखिए यहाँ पर देखिए आर टू के स्थान पर कितना है 1 लिखिए माइनस 2 इंटू आर वन, 2 इंटू आर वन की वैल्यू 0 है, यानी 1 माइनस 0 यानी कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 1, आई बात समझ में कि नहीं आई। अब देखिए यहाँ पर दूसरे स्टेप पर आ गए, अब हमें बढ़ना है तीसरे स्टेप पर, तो तीसरे स्टेप में इस वाले एलिमेंट पर आना, और हमें यहाँ पर बनाना है 1, तो यहाँ पर देखिए आपका कितना है 5 है, इसको हमें 1 बनाना है। तो 1 बनाने के लिए हम क्या करें, अगर इस R2 को क्या करें 5 से डिवाइड कर दें तो ये 1 बन जाएगा। अब बहुत स्टूडेंट्स क्या होते हैं सोचने लगते हैं कि हम किसी रो या कॉलम से इसको घटा के बना दें। देखिए अगर आप घटाओगे जोड़ोगे तो ये फिर कोई ना कोई संख्या बन जाएगी, तो मतलब क्या निकलेगा इतना स्टेप करने से, तो जब किसी एलिमेंट को 1 बनाना हो तो वो जिस रो या कॉलम में पड़ रहा हो उसी संख्या से उसको डिवाइड कर दीजिए, सबसे सरल तरीका यही। तो आप यहाँ पर क्या कीजिए, यहाँ पर लिखिए R2 की वैल्यू हम फाइंड करेंगे R2 डिवाइड बाई 5 से, क्योंकि 0 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही रहेगा, 5 को लेकिन 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये 1 हो जाएगा, और ये स्टेप हमारा पूर्ण हो जाएगा, यही हमें करना है यहाँ पर। तो चलिए यहाँ पर इस स्टेप को अपनाते हैं, ठीक है, ये ट्रिक है भाई आपकी, इतना याद रखना। तो ये आपका हो जाएगा R2 की वैल्यू आप फाइंड करो तो R1 में कोई चेंजेस नहीं होगा, 1 माइनस 1 उसको वैसे रहने दीजिए, इक्वल टू यहाँ पर 10 लिखा है 10 लिख दीजिए, और R2 की वैल्यू आप फाइंड करो इंटू में A लिख दीजिए, ट्रिक आपकी वैसे ही लिखी है, मिलने नहीं देना। R2 की वैल्यू आप फाइंड कर रहे हो R2 डिवाइड बाई 5, 0 को 5 से डिवाइड करोगे 0 ही रहेगा, 5 को 5 से डिवाइड करोगे 1 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इसको आप 5 से डिवाइड करोगे तो माइनस का 2 अपान में 5 हो जाएगा, इसको आप 5 से डिवाइड करोगे 1 बाई 5 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। अब यहाँ से चले यहाँ पर आए अब यहाँ पर जाएंगे लास्ट वाले एलिमेंट पर, उसको हमें 0 बनाना है। क्या बनाना है भाई, 0 बनाना है। तो देखिए यहाँ से चले यहाँ पर आ गए, अब यहाँ पर हो गया, यहाँ पर हमें इसको 0 बनाना है। इसको 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जब 0 बनाना हो तो हमें जोड़ना घटाना ही पड़ेगा। अगर इसमें इसको जोड़ दें या इसमें इसको जोड़ दें तो ये आपका 0 हो सकता है। देखिए माइनस 1 ये आपका प्लस 1 है, तो ये जोड़ेगा तो 0 हो जाएगा। यानी हम क्या करेंगे, R1 की वैल्यू फाइंड करेंगे, क्यों, क्योंकि ये R1 में पड़ रहा है माइनस 1, ये एलिमेंट जो है ये R1 पहली रो में पड़ रहा है, इसलिए हम R1 की वैल्यू फाइंड करेंगे R1 प्लस R2 से। आप देख लीजिए फाइंड करके, ये आपका हो जाएगा, आप R1 की वैल्यू फाइंड करो तो R2 वाले एलिमेंट को पहले वैसे लिख लीजिए जिससे आपका गलत ना होने पाए, माइनस का 2 अपान 5, ये 1 अपान 5 और इंटू में A। अब देखिए यहाँ पर R1 की वैल्यू फाइंड करेंगे R1 प्लस R2 से, यानी पहली रो में दूसरे रो को जोड़कर, तो 10 कितना हो जाएगा 1, माइनस 1 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, 1 में इसको जोड़ेंगे 1 माइनस का 2 अपान 5, तो देखिए 5 पंजा 5, 5 से 2 जाएगा 3 अपान में 5, 0 में 1 अपान 5 जोड़ेंगे तो 1 अपान 5 हो जाएगा। आगे बस समझे, बस इतना ही काम था। यानी आपको यहाँ पर 2 क्रॉस 2 के आप भी में 4 संक्रियाँ लगानी, 4 बार 1 2 3 4,
ठीक। इसी प्रकार 3×3 का होगा तो 9 बार लगाना होगा क्योंकि ऊपर 9 एलिमेंट होंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब देखिए ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, देखिए ये इस रूप का लिखा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई इक्वल टू ये आपका हो गया ए इनवर्स और ये इंटू में हो गया ए, ठीक है। इस समीकरण से देखिए आप तुलना करके, ये ए हो गया, ये ए इनवर्स हो गया और ये हो गया आई, हो गया कि नहीं हो गया। तो यहाँ से हम देखें तो ए इनवर्स हमें कितना मिल गया, तो ए इनवर्स इक्वल टू हमें मिल गया 3/5, 1/5, -2/5, 1/5। ये जो वैल्यू आपको मिली है वो इस दिए गए आव्यूह का प्रतिलोम आव्यूह है और यही चीज़ आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन में फाइंड करनी थी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन बेस्ट तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर अभी आपको कम बात समझ में आई तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, अभी एक क्वेश्चन में आप लोगों को और यहाँ पर अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ जिससे आप लोग कभी इस बात को भूल ना पाएँ और बोर्ड एग्जाम में जैसे ही क्वेश्चन आए तुरंत आप लगा लें। बहुत ही ईजी मैथड मैंने आप सभी को बताया है, एक क्वेश्चन में आपको और बताऊँगा, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। तो अब इसी क्रम में हमने आपके सामने इस क्लास का दूसरा क्वेश्चन लिया है, ये क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आया है आपके बोर्ड एग्जाम में। इसको भी हम प्रारंभिक संक्रियाओं के प्रयोग से इसका हम प्रतिलोम आव्यूह याद करेंगे। तो जो आव्यूह दिया गया है सबसे पहले इसको मान लेंगे कि ये आव्यूह ए के बराबर है, फिर यहाँ पर हम एक समीकरण लिखेंगे कि माना ए जो है वो आई इंटू ए के बराबर है। ए की वैल्यू आपको जो भी दी गई है वो लिख लीजिए 1, 3, 2, 7 इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, चूंकि 2×2 का आव्यूह है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी आपका 2×2 का होगा और इनटू में भाई ए हो जाएगा। आई बात समझे, अब यहाँ पर आपको क्या वर्क करना है, वर्क ये करना है कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है इसको आइडेंटिटी बनाना है किसके माध्यम से, प्रारंभिक संक्रियाओं के माध्यम से। तो यहाँ पर देखिए हमने आपको बताया कि ये आपकी ट्रिक है, यहाँ वाले एलिमेंट को 1 बनाना है, यहाँ वाले एलिमेंट को 0 बनाना है, यहाँ वाले एलिमेंट को 1 बनाना है, यहाँ वाले एलिमेंट को 0 बनाना है, ठीक है। और एक बात समझ लीजिए, अगर आप यहाँ वाले एलिमेंट को 1 बनाने के बाद इस वाले स्टेप को छोड़कर यहाँ पर डायरेक्ट आते हो तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा हर हालत में। आपको स्टेप वाइज चलना है, पहले इसको 1 बनाना है, फिर इसको 0, फिर इसको 1, फिर इसको 0, तब क्वेश्चन आपका कभी भी गलत नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए स्टेप नंबर 1 में हमें क्या करना है, इस वाले एलिमेंट को 1 बनाना है। तो आप भी में देखेंगे ये वाला एलिमेंट 1 पहले से ही बना है, अगर ना बना होता तो फिर कोई ना कोई संक्रिया के माध्यम से इसको 1 हम बनाते। उसके बाद सेकंड स्टेप पर आएंगे 0, इसको हमें 0 बनाना है, 2 को हमें 0 बनाना है। तो हम क्या करें कि ये 0 हो जाए, अगर हम देखें तो 2 जो है ये R2 में पड़ा, तो R2 की वैल्यू हम फाइंड करेंगे R2 माइनस, देखिए अगर 2 से हम कितना माइनस करें तो 0 हो जाएगा, 2 ही माइनस करें तभी 0 होगा। तो यहाँ पर देखें तो R1 में 1 है तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2R1, अगर 2 से 2 इंटू R1 माइनस करेंगे तो ये आपका 0 बच जाएगा R2 में, यानी यहाँ पर आपका 0 बच जाएगा। तो यही आपको चाहिए, तो आपका काम हो गया। चलिए इसको अप्लाई करते हैं। सबसे पहले तो आप देख लीजिए यहाँ पर आप R2 की वैल्यू फाइंड कर रहे हो तो R1 में कोई चेंजेस नहीं, तो R1 को वैसे लिखिए आप पहले 1, 3 इक्वल टू 1, 0 और इनटू में ए। R2 की वैल्यू आप फाइंड कर रहे हो, R2 से 2 इंटू R1 ये आपका 0 हो जाएगा। 7 R2 के स्थान पर 7 माइनस 2 इंटू R1 के स्थान पर कितना भाई 3, 7 से 3 2 6 जाएगा तो आपका 1 बच जाएगा। अब बिल्कुल यही स्टेप आपको इस आव्यूह में भी लगाना है, देखिए R2 के स्थान पर 0 हो जाएगा माइनस 2 इंटू R1 यानी 2 हो जाएगा, तो ये आपका माइनस का 2 बच जाएगा। यहाँ पर देखिए R2 के स्थान पर 1 माइनस 2 इंटू R1 के स्थान पर 0, तो ये आपका 1 बच जाएगा। आई बात समझ में, आपने स्टेप नंबर 2 को पूरा कर लिया। स्टेप नंबर 3 पर यहाँ से चले, अब यहाँ पर आ गए, यहाँ पर चल के यहाँ पर आओगे 1 पर, तो 1 पर आओगे तो आपको क्या करना है, इस वाले एलिमेंट को 1 बनाना है जो कि पहले से ही बना है, वेरी सिंपल, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन तो बहुत ही आसान। अब चलिए आ जाते हैं फिर चौथे स्टेप पर, इस वाले एलिमेंट पर इसको हमें 0 बनाना है, तो यहाँ से चले यहाँ से आए फिर यहाँ पर, अब इसको हमें 0 बनाना है। इसको अगर हमें 0 बनाना है, देखिए अगर 1 बनाना होता तो इस पूरे R1 को हम 3 से डिवाइड कर देते, लेकिन ऐसा नहीं करना है, हमें क्या करना है इसको 0 बनाना है। और 0 तभी बनाया जा सकता है कि अगर कोई संख्या मान लीजिए आपको 4 दी गई, तो 4 को 0 बनाने के मतलब हम 4 इसमें घटा दें तभी तो 0 बनेगा। तो बस यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर 3 देखें तो R1 में पड़ा है, तो R1 की वैल्यू आप फाइंड कर लीजिए R1 से घटा के 3 से 3 इंटू R2 कर दीजिए,
इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये भी 3 हो जाएगा, और 3 से 3 जाएगा तो ये आपका 0 हो जाएगा। क्लियर ना, कितना आसान है, आप सभी लोग समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, आप R1 की वैल्यू फाइंड कर रहे हो तो R2 की वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं करना है। R2 की वैल्यू है 0, 1, यहाँ पर R2 की वैल्यू -2, 1। R1 की वैल्यू फाइंड कर रहे हो, R1 से 3 इंटू R2 घटा के, तो 1 से ये 0 जाएगा तो ये आपका 1 हो जाएगा। 3 से ये 3 इंटू R1 यानी R2, R2 के स्थान पर 1 है, 3 इंटू 1 यानी 3 से 3 जाएगा आपका, आपका हो जाएगा 0। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर संक्रिया है R1, यानी यहाँ पर R1 के स्थान पर 1 और -3 इंटू R2, R2 के स्थान पर -2, तो -2 का गुणा आप 3 से करोगे, माइनस बाहर लगा है तो ये आपका हो जाएगा माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, 3 2 6 यानी ये आपका हो जाएगा 7। ठीक है, फिर यही संक्रिया आप बिल्कुल क्या कीजिए, यहाँ पर लगाइए, तो R1 के स्थान पर भाई 0 आपका -3 इंटू R2 के स्थान पर है आपका 1, तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 3। आप देख लीजिए 0 से 3 बन जाए 3, तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 3। अब देखिए आपके चारों स्टेप पूरे हुए हुए कि नहीं हुए, इनटू में आपका ए है। अब यहाँ पर देखिए इस समीकरण की तुलना आप देखिए, ये आई इक्वल टू ए इनवर्स इनटू में ए के रूप का है, ए ए इनवर्स आई, तो यहाँ पर देखिए तुलना करेंगे तो ए इनवर्स इक्वल टू कितना निकल के आया, ए इनवर्स इक्वल टू ये आपकी वैल्यू होगी 7 -3 -2, 1। ए इनवर्स क्या है, दिए गए आपव्यू का प्रतिलोम आपव्यू है, और ये आपकी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि इस मेरे छोटे से वीडियो में आप सभी लोगों को दो क्रॉस दो ऑर्डर के आव्यूह का प्रतिलोम आव्यूह ज्ञात करना आ गया होगा प्रारंभिक संक्रियाओं के द्वारा। अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में क्या बताऊँगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को 3 क्रॉस 3 ऑर्डर के आव्यूह का प्रतिलोम आव्यूह ज्ञात करना बताऊँगा प्रारंभिक संक्रियाओं के प्रयोग द्वारा। ठीक है, तो आप नेक्स्ट वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। चलिए फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।